हाउ टू एड कंपनी एंड चेंज फाइनेंशियल ईयर इन बिजी मोबाइल ऐप। क्या आपको पता है बिजी मोबाइल ऐप में मल्टीपल कंपनीज को ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो की हेल्प से देखेंगे कि कैसे बिजी मोबाइल ऐप में कंपनीज को ऐड करते हैं और फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मोबाइल डिवाइस में प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से बिजी मोबाइल ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद बिजी मोबाइल ऐप ओपन करेंगे और क्रेडेंशियल मेंशन करेंगे, जैसे कि बीडेप आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड, और प्रोसीड सिक्योरली पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंपनी सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगी और यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इसमें एक और कंपनी ऐड करना है, देन टॉप राइट पर एक एरो का साइन है, उस पर क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पर न्यू कंपनी के क्रेडेंशियल मेंशन करेंगे, जैसे कि बीडेप आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड। आफ्टर दैट ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने के साथ ही न्यू कंपनी सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगी और यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर कंपनी स्विच करना है, देन सेम टॉप राइट पर क्लिक करके कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस केस में एवरी टाइम कंपनी क्रेडेंशियल मेंशन नहीं करना होगा। इसी में नेक्स्ट देखते हैं कैसे बिजी मोबाइल ऐप में फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं। उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग पर क्लिक करेंगे और चेंज फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करेंगे। ऐसा करने के साथ एक्टिव कंपनी में जितने फाइनेंशियल ईयर होंगे वो सारे शो होंगे, उसमें से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से बिजी मोबाइल ऐप में मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर ऐड कंपनीज को डिलीट करना है, देन सेम कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग पर क्लिक करेंगे और कंपनी सेलेक्ट करेंगे। यहां से कंपनी को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट करने के लिए डिलीट साइन पर क्लिक करेंगे। बिजी मोबाइल ऐप में एक बार कंपनी ऐड करने के बाद स्विच के टाइम पर कंपनी क्रेडेंशियल जैसे कि बीडेप आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड मेंशन नहीं करना होगा। सो इसके साथ बिजी मोबाइल ऐप में मल्टीपल कंपनी और मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर चेक कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।